नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ सामाजिक फिडमा म फाइजा फमिदा अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ काठमाडौँमा एउटा पहिचानको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आन्दोलन चलाइरहेको छ यही सन्दर्भमा आज तपाईँहरूको माझमा या आज हाम्रो सामाजिक फिडमा हिन्दी भाषा अभियानी एवं राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेताजी रमन पाण्डेजी आउनुभएछ उहाँ हिन्दी भाषा अभियानी हुनुहुन्छ त्यसै कारण आज हामी हिन्दी भाषामै कुराकानी गर्नेछौँ सब पहला स्वागत है तब को नमस्ते धन्यवाद प्रणाम सबसे पहले आप अभी जो आंदोलन चल रहा है उसी पर जो बता देते ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी विषय राष्ट्र मुक्ति क्रांति की शुरुआत क्यों करनी पड़ी यह आज का प्रश्न है जनमानस में आज तक हम लोग विशुद्ध मधेशवादी सिपाही के रूप में विगत चौंतीस वर्षों से मधेश मुक्ति के लिए संघर्ष करते आ रहे थे इस संघर्ष को अब जो समूचा मधेश स्थापित करने के लिए जो है हमारी आंदोलन थी उस आंदोलन को अब आगे बढ़ाते हुए मधेशवाद से स्वदेशवाद में हम लोगों ने कैसे क्यों प्रवेश किया विषय वहीं आती है तो देखिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एक ऐसा विचार का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे आया है जो आज तक जो नेपाल में परंपरागत शासन पद्धति है जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि आयातित कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के विरुद्ध नेपाल में जो शासन प्रणाली शासन पद्धति है वह कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बेस पर आज तक आगे बढ़ती आई है जो यहाँ विशुद्ध रूप से असफल हो चुका तो हम लोगों ने देखा कि कैसे आखिर देश को संपन्न बनाया जाए कैसे देश को प्रगति के पथ पर ले जाया जाए तो इस मंथन को विगत चार पाँच वर्षों से काठमांडू में आगे बढ़ाया जा रहा था खास करके हमारे आदरणीय नेता राजेंद्र महतो जी जनजाति के नेता हैं बहुत बड़े थिंक टैंक हैं बुद्ध छिरिंग मुक्तांग जी इत्यादि विचारकों के बीच यह विषय चल रही थी कि इसका समाधान कैसे हो नेपाल संपन्न राष्ट्र कैसे बने तो हम लोगों ने पाया कि जो परंपरागत यहाँ की शासन पद्धति है आयातित कॉम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये सभी आयातित विषय हैं और इन आयातित विषय से, से नेपाल की प्रगति नहीं हो सकती है तो हम लोग इस निचोड़ पर पहुँचे कि क्या करना चाहिए तो यहाँ स्वदेशवाद को स्थापित करना होगा स्वदेशवाद क्या है तो पूर्वीय दर्शन जो हमारी कहती है कि यहाँ की अपनी हवा अपनी बोली अपनी पहचान उसके आधार पर शासन पद्धति बर, आगे बढ़ आगे बढ़नी चाहिए तो स्वदेशवाद और बहुल राष्ट्र राज्य और सामुदायिक समाजवाद इस तीन विषयों को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ने का कोशिश किया और फिर से मैं दोहराऊं कि स्वदेशवाद इसको ऐसे लिया जाए कि आयातित कम्युनिज्म और आयातित कैपिटलिज्म के विरुद्ध स्वदेशवाद बहुल राष्ट्र राज्य और सामुदायिक समाजवाद के स्थापनार्थ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का संखनाद हुआ और इन्हीं चंद दिनों में आपने देखा होगा कि 16 गत्ते फाल्गुन को हम लोगों का पहला एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ काठमांडू के सड़कों पर तत्पश्चात चैत्र 24 गत्यों को पुनः हमारा प्रदर्शन हुआ खास करके जो राष्ट्र राज्य के विषय में मैंने निवेदित किया कि मधेश मधेशियों का होना चाहिए काठमांडू नेवारों का होना चाहिए ने, नेप मंडल का नेवारों का होना चाहिए तमांगों का तमसालिंग होना चाहिए या व थारू भाइयों का थरुहट होना चाहिए तो इन सभी विषयों को स्थापित करने हेतु विभिन्न जात जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक जगह जोड़ते हुए हमने बहुल राष्ट्र राज्य का परिकल्पना के साथ आज तक क्या हो रहा है नेपाल में तो आज तक एकल राष्ट्रीय राज्य था और एकल राष्ट्रीय राज्य के हिसाब से शासन पद्धति चल रही है नेपाल में जो यहाँ बिल्कुल फेल्योर हो चुका तो हम लोगों ने सोचा कि बहुल राष्ट्रीय राज्य को स्थापित करते हुए नेपाल को संपन्न समृद्ध बनाना है और इसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चूँकि होता क्या था आज तक तो हम सभी अलग अलग लड़ते लग थे विगत चौंतीस वर्षों से हम लोग सद्भावना से लेके आज तक मधेस मधेस तो किए तो हम लोगों को दबा देता था गोली चला देता था गोली चला के ये संविधान ले आया यहाँ का एकल नस्लीय शासकों ने सिंह दरबार में बैठे तरह तरह के षडयंत्रकारियों ने और गोली चला के संविधान ले आया थारू भाइयों ने आंदोलन किया तो आपने देखा होगा रेशम चौधरी से लेकर सब पर क्या क्या मुद्दा मामला लगा के जो जीवन समाप्त करने का काम किया ऐसे ही हमारे नेवार भाई बंधु नेवा भूमि के लिए लड़े उनके साथ वही तो तमाम साथियों के साथ वही तो हम सभी जो भी वंचित हैं जो लोग भी हम लोग अधिकार पहचान से वंचित है तो इस संघीय शासन प्रणाली में हम सबों की अधिकार अर्थात स्वशासन आवे स्वशासन आवे स्वदेश हम सभी का स्वदेश बने हम सभी का स्वदेश बने इन बातों को स्थापित करने के लिए नेपाल में एक ऐसी क्रांति का आवश्यकता हम लोगों ने महसूस किया जो यहाँ के राज्य व्यवस्था के संचालन के पद्धति को एकल राज्य से बहुल राष्ट्रीय राज्य में रूपांतरण करने हेतु नेपाल में एक ऐसी अंतिम मुक्ति क्रांति की आवश्यकता है जो इस मुक्ति क्रांति के बाद हमारा देश सभी का स्वदेश बन पाए न किसी को 40 डिग्री के गर्मी टेम्परेचर में अरब जाने की जरूरत पड़े यहाँ पर सब कुछ इस देश की समृद्धि आवे और हम इस देश को आगे बढ़ा सकें इसके लिए हम लोग अलग अलग न लड़ते हुए किस्तों में न लड़ते हुए बिल्कुल सत्ता भत्ता को किनारे रखते हुए सत्ता भत्ता हमारी अभिष्ट नहीं है अब का हमारा अभिष्ट देश निर्माण है तो देश निर्माण के लिए जो टुल्स हमारे पास है उसी टुल्स का नाम है स्वदेशवाद बहुराष्ट्र राज और समाज समाजवाद और इन सब विषयों को आगे बढ़ाने का काम हम सभी मिल के मधेसी थारहू पहाड़ के आदिवासी जनजाति या यूँ समझे तो नेवार, राय लिंबू गुरुंग, तमांग घोटे मगर शेरपा या मधेश के विभिन्न भाषा भाषी तमाम लोग मिल के हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अंदर गोलबंद होते हुए हम लोगों ने स्वदेशवाद बहुल राष्ट्र राज्य और समाज सामुदायिक समाजवाद के लिए आगे बढ़ने का काम किया है आप जो बोले बहुल राष्ट्र के बारे में सब तो अपनी अपनी जगह बोली रहे ना बहुल राष्ट्र फिर भी उसको जरूरत क्या है कि हर जगह पर एक देने की पहचान कि तुम सब अपने अपने जगह पर बोली रहे इससे जनता का आपने आपने पहला जिज्ञासा रखा या प्रश्न रखा कि आ, लोगों को क्या लग रहा है लोगों को क्या लग रहा है तो हमारा विगत गवाह है कि सिर्फ चार दिनों के तैयारी में फागुन 16 में एक प्रदर्शन हमने किया था और चैत 24 का हमारा दूसरा रैली काठमांडू में हुआ और सिर्फ चार पाँच रोज का समय मिला था तो स्पॉन्टेनियस जो करते हैं स्वस्फूर्त बीसों हजार लोगों की तादाद साथियों की तादाद उस रैली में उस जुलूस में सहभागी अपनी संस्कृति सांस्कृतिक गाजे के साथ लोग आए इसका अर्थ आप हाँ जानती हैं लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है कि क्या है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति आज देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत इसको लेके संवेदनशील है कि क्या है स्वदेशवाद क्या है बहुराष्ट्रीय राज्य क्या है सामुदायिक समाजवाद तो एक प्रकार की जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई है एक प्रकार की जो परंपरागत शासन पद्धति है इससे लोग आजित हो चुके हैं इसने परंपरागत शासन पद्धति ने जो एकल जातीय नस्लीय शासन प्रणाली है नेपाल के भीतर में यह देश को बर्बाद कर दिया यह देश इस इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया एक खास तबका के लोग शासन पर जो कब्जा जमा देश की प्रगति कहीं से नहीं हुई देश आज हमारा नेपाल आज फेल्योर स्टेट के कैटेगरी में एक तरह से चला गया हुआ है तो लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने कहा है और हम लोगों की क्रेडिबिलिटी है ना हम लोगों की क्रेडिबिलिटी है क्योंकि चौंतीस वर्षों से हम लोग लगातार विशुद्ध रूप से मधेसवाद के संघर्ष को किया है और हम लोग अब बता रहे हैं कि अब मधेश बाईस जिला का है इसको अब काठमांडू के धरती से हमारे नेवार लीडर कहते हैं और हम मधेश से कहते हैं कि काठमांडू तो नेपा मंडल का काठमांडू है तुमने बागमती प्रदेश कैसे नाम रख दिया तुमने कोसी प्रदेश कैसे नाम रख दिया अधिकार पहचान के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष किया था उसके विपरीत एक ऐसा संघीय नाम हो गया संघ संग्ये, संहिता का जो प्रदेश का जो नाम रखा तुमने तो अब हमारी विषय को हमारे पहाड़ के आदिवासी जनजाति भाई उठा रहे हैं और उनकी विषय को हम लोग यहाँ मधेस से उठा रहे हैं तो हमारी अब अभिया, यह अभियान जो है यह क्रांति जो है यह मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है तो एक प्रकार और हमने पहले ही निवेदन किया कि हम लोगों के न दाया न बाया न आगे न पीछे सत्ता भत्ता इस बार नहीं है सत्ता भत्ता है ही नहीं बिल्कुल विशुद्ध मुक्ति क्रांति की इसके बाद इस देश में कोई क्रांति नहीं करनी पड़े यहाँ के युवाओं को हमारी आपका जो वंशज हमारा आपका है उस वंशज को अब आगे जाके शहादत न देना पड़े यहाँ के जो उपेक्षित हैं शोषित हैं पीड़ित हैं वंचित हैं उनको अब अन्य कोई आंदोलन न करना पड़े उस तैयारी के साथ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का यह अभियान आगे बढ़ रहा है तो इसकी गारंटी है ना इसकी गारंटी है ना राजेंद्र महतो की वह गारंटी है उन्होंने कहा है विभिन्न कार्यक्रम में हम लोगों से कहा है कि प्राण जाए पर बचन न जाए इस बार की जो अंतिम संघर्ष है यह अंतिम संघर्ष इस देश को बहुल राष्ट्रीय राज्य में रूपांतरित करते हुए स्वदेशवाद को स्थापित करते हुए सामुदायिक समाजवाद को स्थापित करते हुए निश्चित रूप से हम सभी का स्वदेश निर्माण करेगा तो मेरा कहना है कि आपका जो प्रथम प्रश्न था द्वितीय प्रश्न आपने कुछ भारत से जोड़ के क्या पूछा था कि इसे आप ये जो आप कर रहे हैं उससे तो कई लोग आपके खिलाफ होंगे ना और ये भी सोच रहे होंगे कि विखंडन कर रहे हैं लोग लोकतंत्र में क्या होता है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इसमें शत प्रतिशत नहीं होता है एक ही विचार से यदि दुनिया में सभी सहमत होते जाते तो नेपाल के भीतर आज यह सातवीं संविधान रनिंग नहीं होती यहां तो छः छह संविधान फेल कर गया और सातवां संविधान कै रोज में फेल कर जाए आप देखते रहिए क्योंकि गोली चला के बनाई गई संविधान है ना तो आपने जो कहा कि सब सहमत हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है इसकी अपेक्षा भी हमें नहीं है लेकिन इस आंदोलन से 90 प्रतिशत लोग सहमत होंगे हमने विगत काठमांडू में देखा है चौबीस घंटे के बाद जब हमारी समीक्षा बैठक हुई है तो उसमें चुनिंदे लीडर आदिवासी जनजाति के थे हम लोग स्वयं उसमें बैठे हुए थे अपने पिराई विचार रख रहे थे चूंकि हमारे छह साथी अभी भी कारावास में है छह साथी अभी भी कारावास में है छह साथी को मुक्त किया गया हम सभी लोग घायल हुए थे तीस चालीस लोग तो कारावास में साथी हैं तो उसी पर विचार करने हैं तो हम लोग एक जगह बैठे थे तो वहाँ विषय आई तो हमने वहाँ परिचय में सुना सब लोग कह रहे थे कि मैं वो माओवादी के समय में जो सत्रह हज़ार निर्दोष का हत्या हुआ उस समय में वो लोग परिचय दे रहे थे कि हम इस एरिया के जनमुक्ति कमांडर थे तो हम इस एरिया के क्या डिवीज़न कमांडर थे तो ए आलए के साथी लोग कह रहे थे उस जमाने के कि हम अपनी परिचय में कि हम क्या संगठित सदस्य उनके यहाँ होता है तो इस तरह से परिचय आ रहा था बहुत सारे कांग्रेस में काम करने वाले लोग तो इससे हमको वहाँ क्या लगा हम लोगों को इससे यह साबित होता है कि जिनकी लंबी राजनीतिक इतिहास है संघर्ष का इतिहास है वे सभी लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के विचारधारों से सहमत होते हुए राजेंद्र महतो जी के विचारधारा बुद्ध छिलिंग मुक्तान जी के विचारधारा हम सभी के विचारधारा से सहमत होते हुए हमारे इस आंदोलन के विषय में जिज्ञासु हैं और सभी अपना अपना विगत छोड़ते हुए अब इस मुक्ति क्रांति से जुड़ चुके हैं और दिनानुदिन गुणनात्मक रूप से गुणनात्मक रूप से हमारी तादाद लगातार आगे बढ़ रही है इसी का परिणाम है जो यहाँ का जो नस्ली राज्य सत्ता है सिंह दरबार से जो वैना कूलर लगा के जो यहाँ प्रशासन सत्ता चलाने का काम किया है एकल एक जातीय नस्लिए लोगों के द्वारा वो बेनाकूलर लगा के दूरबीन लगा के जो काठमांडू से शासन चलती आई है और सबों को तोड़ तोड़ के जो शासन चलाया गया वे वहाँ बैठने वाले लोग अब चिंतित हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे छह साथी को हॉस्पिटल से उठा के हॉस्पिटल से जब ट्रामा सेंटर में हमारी इलाज चल रही थी तो हमारे साथी को मिलन लिंबू से लेके संतोष मेहता से लेके राम प्रवेश शाह से लेके हॉस्पिटल से उठा के घायल साथियों को कहीं कोई हिरासत में लेता है और झूठा मुद्दा लगाता है और अभी भी वहाँ पे सी से समय ले लेके आगे बढ़ा के उस पाँच दिन का म्याद एक बार पुनः कल परसों पाँच दिन का म्याद लिया गया और राजनीतिक विषय को ये लोग अदालती विषय बनाने के क्रम में है क्योंकि इनको पता है कि हम या हमारी नेतृत्व न कभी न कभी थकेगी न कभी हारेगी न कभी झुकेगी क्योंकि हम पवित्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़े हैं ना हमारा उद्देश्य इस नेपाल को सबों का स्वदेश बनाना है ना तो इनको हमारे छह साथी को हिरासत में रखने से हम घबरा जाएंगे क्या क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है हम उन प्रहरी भाइयों को भी हम लोग कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हम पर हिस्सा कहर हिंसा कहर बर पाया उस सीरियों को भी हम अपील करना चाहते हैं शासक प्रशासक को भी, भी कहना चाहते हैं हम लोग जो कि हम लोग आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं एक मिनट के लिए आप अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी अच्छी जीवन शैली के लिए गलत निर्देशन का पालन कर रहे होंगे लेकिन निर्देशन से जो देश चलाने की पद्धति है ऊपर का आदेश ऊपर का आदेश इस भ्रम में अब ना रहें अब हम लोगों की जो मुक्ति क्रांति है एक ऐसा भविष्य का निर्माण करेगा जो आपका भी यह देश ऐसा नहीं है कि यह देश सिर्फ मधेसी का होगा यह देश सिर्फ निवार का होगा यह देश सिर्फ राय लिंबू गुरु का होगा यह देश पहाड़ के पहाड़ी ब्राह्मण का भी होगा पहाड़ के पहाड़ी क्षेत्र का भी होगा अर्थात जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी तो इस उद्देश्य के साथ हम सबों का स्वदेश निर्माण करने चले हैं और झूठा मुद्दा मामला लगा के यदि हमें हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया जा रहा है तो हम और अधिक मजबूत होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के पक्ष में है चूँकि हमारी अंतिम संघर्ष है तो इस तरह से भ्रम की खेती कुछ लोग जो राज्य के पास षड़यंत्र होता है तो वो लोग भ्रम की खेती करते रहते हैं तो करते रहते हैं करते रहेंगे चौंतीस वर्षों में हमने देखा है कि टूट टूट के अलग अलग किस्तों किस्तों में किस्ते किस्ते में राजनीति करने से संघर्ष और आंदोलन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है तो अब एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वहीं आप पहले पहले की बात करें तो वहीं आप लोग पहले बोलते थे मधेशियों को हक नहीं मिला अधिकार नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर उसका सत्ता नहीं था सरकार नहीं था अभी तो स्थानीय सरकार हो गया हुआ है प्रदेश सरकार में आप लोग चले गए हुए मधेशी को हक नहीं मिला उसका कारण बड़ा गंभीर कारण है देखिए होता क्या है कि हमारी आपकी अपनी लड़ाई कोई किराया पर नहीं लड़ देगा हुआ क्या दरअसल कि अब देखिए आप मधेश की बात करेंगे तो उसका तो अनुभव है ना चौंतीस वर्षों का हम लोगों का मधेश पर काम किया हुआ अनुभव है ना तो गजेंद्र बाबू जब विधे विभेद के विरुद्ध संघर्ष और समानता के लक्ष्य को स्थापित करने के लिए चौंतीस वर्ष पहले जब सद्भावना परिषद से पार्टी बनाए तो उस वक्त भी दो चार परसेंट मधेसी हम लोगों को साथ दिए बाकी के मधेसी कहाँ थे दो चार परसेंट जो हम लोगों के साथ आए वो मधेसवादी बने बाकी के लोग वही परंपरागत कांग्रेस एमएलए इधर उधर माओवादी की तो उस वक्त जन्म नहीं हुई थी तो वही कम्युनिस्ट कौम्नि, और कांग्रेस में है? हमारे दादाजी भी कांग्रेस थे हमारे पिताजी भी कांग्रेस थे हम भी कांग्रेस हैं वो भी कम्युनिस्ट हम इस मानसिकता के साथ अरे साहब यह लड़ाई अपने बाल बच्चों की भविष्य की है यह लड़ाई अपनी जल जंगल जमीन की है यह लड़ाई मधेश के भविष्य भाग्य और भूमि की है और उस भविष्य भाग्य भूमि की लड़ाई में आप कांग्रेस और ये माले में आप अपने जीवन बिताते हैं ठीक वैसे ही जैसे बहन जी आप इंटरव्यू कर रही हैं तो एक धार्मिक प्रसंग आपको उल्लेख कर दो देखिए होता क्या है समाज में कि मुझे यदि रामायण पढ़नी है तो मुझे मंदिर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा यह एक तरीका है यह एक परंपरा है रामायण पढ़ने के लिए मंदिर ही होना पड़ेगा आपको कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद ही होना पड़ेगा कुरान लेके यदि आप मंदिर में चले जाएंगे तो वहाँ सामाजिक द्वंद्व हो जाएगा या हम रामायण लेके मस्जिद में चले जाएंगे तो वहाँ फिर सामाजिक द्वंद्व हो जाएगा तो यह उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि कांग्रेस या ए माले में रह के या उसी परंपरागत कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए यदि कोई चाहेगा कि हम मधेश का बात कर लें तो वहाँ उसकी छूट नहीं होती है हमें रामायण पढ़ने की छूट मस्जिद में नहीं है आपको कुरान पढ़ने की छूट मंदिर में नहीं है तो मधेश की बात करने की छूट कांग्रेस में नहीं होता है ए माले में नहीं होता है सिर्फ उन लोगों को छूट होता है जो लोग जनकपुर की धरती पर इंटरव्यू है तो रघुवीर महासेठ जैसे लोग हों और वह क, वह कहने के लिए तैयार हों उनके चाक, अपने आकाओं के चाकरी में कि एक हाथ से सिंदूर एक, एक हाथ से सिंदूर एक हाथ से नागरिकता नहीं मिलते हो मधेसी भाई तो ये आका को खुश करने वाले कुछ इस तरह का उदाहरण भर दिया है एक व्यक्ति का ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट के अंदर में जब गजेंद्र बाबू नहीं हट सके जब रामचंद्र मिश्रा नहीं हट सके जब बाबा राम जन्म तिवारी नहीं हट सके जब वेदानंद झा नहीं हट सके जब रघुनाथ ठाकुर नहीं हट सके जब तो हमारा कहना है बाकी के इधर के लोग तो खैर हम लोग तो स्वाद ही नहीं जाने कांग्रेस क्या होता है हमारा लीडर राजेंद्र महतो ऑर्गेनिक मधेशवादी कभी राजेंद्र महतो जी कोई गैर मधेसी के नेतृत्व में काम नहीं किए और अब जो अवस्था आई है तो उन्होंने सबों को इंटीग्रेटेड करके सबों को जोड़ के, सभी लोगों को लेके बहुल राष्ट्र राज्य के लिए आ, सभी मधेसी पहाड़ के जनजाति आदिवासी जनजाति को लेके आगे बढ़ने का काम किया है एक नवीन काम है यह नवीन काम है इसका रिजल्ट भी आपको परिणाम भी तय है इसको कोई नहीं रोक सकता है तो मेरा कहना है आपने कहा कि मधेस क्यों नहीं बना अब वहां मैं पहुंचता हूं कि मधेस नहीं बना क्योंकि घर को आग लग गई घर के चिराग से घर के ही लोग हमारे घर के ही लोग दूसरे दूसरे जाके हाली मोहाली करते रहे एक समय आया जब बाईस जिला का मधेश का हम लोग कल्पना किए आठ ज़िला में सीमित यहीं के कुछ लोगों ने आठ जिला में सीमित, सीमित करवा दिया उसके लिए भी संघर्ष करने का कोशिश जारी है आज के समय में काठमांडू के धरती से तवांग के लोग नेवार समुदाय के लोग सभी लोग हमारा मधेश बाईस जिला का यह कह रहे हैं और हम लोग मधेश के भूमि से कह रहे हैं कि नेबार्ड की भूमि नेपा मंडल की भूमि है बागमती प्रदेश नाम नहीं रहेगा कल ही हम लोगों ने माइती घर मंडला में उनका जो मौलिक नाम है उसको स्थापित करने का काम किया है तो अब आंदोलन मजबूत होने जा रही है अब हम लोग अलग अलग किस्ता में नहीं लड़ेंगे सभी का स्वदेश बनाएंगे तो इस तरह से फिर मधेस बना अब इसको भी अंत कर दूं। आठ जिले का मधेश बना तो आठ जिले का मधेश बना तो इसमें फिर क्या हो गया देखिए दुर्भाग्य है चूंकि हम लोगों ने बाद को स्थापित करने का काम किया विगत चौंतीस वर्ष पहले और इसमें तरह तरह के लोग फिर टपक गए लगाए हुए बगीचा में ऐसे ऐसे लोग आ गए इसको हॉट केक समझ के इस बाद का व्यापार करने आ गए फिर व्यापार करने आ गए जिनकी स्कूलिंग जिंदगी में हम लोगों के जैसे मध्यसवाद की नहीं थी कहाँ कहाँ भटकते थे ठीक है सबको आना चाहिए ये लोग आ गए और बहुत तेरे लोग ऐसे आ गए जिनको मधेस बात से कोई लेना देना नहीं राजनीतिक व्यापार से लेना देना वैसे वैसे लोग यहाँ प्रदेश सांसद क्या, क्या 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 बन गए साहब और वो लोग क्या किए तो योजना बेचने का काम शुरू कर दिए हैं साइकिल घोटाला का काम होने लगा तो जानकी मंदिर टाइल्स घोटाला का कांड होने लगा तो तरह तरह का योजना बेचने का कांड होने लगा कोई अपनी पत्नी बीवी के नाम पर क्या क्या बड़ा बड़ा योजना कोल्ड स्टोरेज योजना सुनता हूँ तो इसके लिए मधेस से नहीं हुआ था तो एक तो बहुत तेरे मधेसी लोग गैर मधेसी पार्टी में काम करते रह गए दूसरे लोग किसी तरह शहादत दे के बहुत अधिक क्षति करा के मधेस प्रदेश कायम हुआ तो ऐसे ऐसे तिलस्मी लोग उसमें हा हावी हो गए जो लोग मधेश बात कम और मधेश का व्यापार करना ज़्यादा जानते हैं तो वैसे वैसे, वैसे लोग सत्ता शासन में अधिकांश लोग वैसे लोग स्थापित हो गए और इन लोगों ने आपको प्रीपेड कमीशन लेके यहाँ का योजना ही बेचने का काम कर दिया तो इस तरह इस सब में समय थोड़ा लगता है समय लगेगा आपको गारंटी के साथ निवेदन करूँ कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति तमाम तरह का विभेद तमाम तरह का इस देश से भ्रष्टाचार सभी कुछ को खत्म करते हुए यह अंतिम मुक्ति क्रांति के हिसाब से इस नेपाल को सुंदर सभी का स्वदेश बनाएगी प्रचंड जी या कौन कौन बहुत पहले कहते थे इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे उनसे तो नहीं होगा संभव ही नहीं है सत्रह हज़ार मारने वाला क्या बनाएंगे स्विट्जरलैंड और कौन सा लैंड लेकिन यह राष्ट्रीय क्रांति के आंदोलन जो मुक्ति क्रांति है जो सत्ता भत्ता से दूर है जो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की यह संघर्ष नहीं है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की यह संघर्ष देश बनाने के लिए है सरकार नहीं देश बनाने के लिए है वह जरूर इस नेपाल को स्विट्जरलैंड बनाएगी थोड़ा वक्त लगेगा आप देखेंगे कि हम लोग चूंकि एक प्रकार से अधिकार पहचान की जो संघर्ष है उसके तपस्वी लोग हैं तपस्वी लोग हैं एक मिनट के लिए हम लोग कोई लाभ के पद पर नहीं गए हैं हमारे नेता इस आंदोलन के नेता राजेंद्र महतो अपने आप में एक

सब चीज़ भूल जाते हैं उस पर क्या कहिए बिल्कुल आपको मैं याद दिलाऊं आपका एकदम जायज़ प्रश्न है आ, हमारे इस राष्ट्र मुक्ति क्रांति के नेता संयोजक राजेंद्र महतो जी आ, चार पांच बार मंत्री बने और जब वो प्रधानमंत्री बने 18 रोज के लिए आपने देखा होगा तो जिस रोज उन्होंने पदभार ग्रहण किया एट डेड डे उसी रोज उनसे पहला प्रश्न पत्रकारों ने किया कि आपकी भावी योजना क्या है तो उन्होंने कहा था उप प्रधानमंत्री के चेयर से कि नेपाल में बहुल राष्ट्र राज्य का स्थापना करूंगा उप प्रधानमंत्री के चेयर से भी उन्होंने अंतिम मुक्ति संघर्ष की बात की और तत्क्षण क्षण यहाँ का लाल आतंकवादी पार्टी जो बोलते हैं क्या क्या ये माले से लेके माओवादी से लेके कौन कौन जो दूसरे के सारा पर इस देश में आयातित कॉम्युनिज्म और, और कैपिटलिज्म फैलाने वाले लोग राजेंद्र महतो जी का पुतला दहन करने का काम तो हमारे मन में तो बहुल राष्ट्रीय राज्य का परिकल्पना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री के कुर्सी से बहुल राष्ट्रीय राज्य का बात कहा तो वो तो बोले उस पर उनकी पुतला दहन शुरू हो गई नाराबाजी काठमांडू के सड़कों पर शुरू हो गया चूंकि राजेंद्र महतो जी मधेश से भी और दूसरा जो है सो कि मधेसी भी ऐ तो धोती पहनने वाले भी तो धोती वाले को देखते ही लोग सीधे एक लाइन में कह देते हैं ये तो नेपाली है ही नहीं है तो भारतीय है मैं उस पर भी फिर आता हूं परंतु देखिए वहीं काठमांडू के जनजाति लोग पचास साठ ऐसे ऐसे बड़े बड़े संगठन के लोग उन्होंने बहुराष्ट्रीय राज्य के समर्थन में विज्ञप्ति दिया था तो हमारी जो सोच है बहुराष्ट्रीय राज्य की यह सत्ता भत्ता के लिए नहीं है मैं पुनः निवेदन करूं यह सबों का स्वदेश बनाने के लिए है सभी का स्वदेश यह नेपाल बने या सभी का राष्ट्र बने या सभी का अपना देश बने इतनी बड़ी पवित्र उद्देश्य के साथ हम विशुद्ध अपनी ईमानदार चाल चरित्र चेहरा के साथ इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति को सबों के साथ सहयोग से मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम महिला सभी के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इतनी बड़ी पवित्र उद्देश्य में थोड़ी बहुत रुकावट जो परंपरागत राजनीति करने वाले लोग हैं जो वंश जो जातिवाद वंशवाद परिवारवाद समुदायवाद की राजनीति करते हैं उनको तकलीफ़ होगा तरह तरह का भ्रम फैलाएंगे ये सबसे हमको हम लोगों को कोई रुकावट आएगी ऐसा हमको नहीं लगता है वही कहा जाता है बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेपाल के राजनीतिकों के लिए भारत से पैसा आता है चाइना से पैसा आता है क्या ये नेपाल के राजनीतिक कर्मियों को खुद से नहीं आता है। ऐसी ही खेल खेल कर करके कर राजनीति करते हैं कि कभी इंडिया से लेके कभी चाइना से ले करके देखिए देखिए इसको ऐसे समझना पड़ेगा अब कैसे कहाँ से पैसा आता है मुझे उसका अनुभव तो है नहीं, नहीं। चूंकि इन चौंतीस वर्षों में ऐसा कुछ अनुभव लगा नहीं पार्टी जितना बार दस पंद्रह आठ दस नाम बदलता रहा सद्भावना से लेके और आज तक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के इस आंदोलन तक तो हमेशा तो हमने दिक्कत ही पाया है? अब रही बात कि कुछ लोगों का चेहरा चाइना से मिलता होगा कुछ लोगों का चेहरा भारत से मिलता है तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर देना यह नाजायज है अब जिन जिन लोगों की चेहरा हमारा उत्तर का पड़ोसी चाइना से मिलता है वो वे, उस तरह के समुदाय के लोग वही राय लिंबू गुरु तमांग भुटे मगर शेरपा उसके तो अधिकांश लोग अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति से, से जुड़ रहे हैं ना बहुल राष्ट्रीय राज्य के संभावना को समझ रहे हैं ना जो उनको पता है ना कि इसी आंदोलन से हमारी राष्ट्र बनेगी तो वो लोग अब हमारे आंदोलन से जुड़ रहे हैं रही हम लोगों की बात भारत से चेहरा मिलता है उससे आप पैसा जोड़ दीजिए ऐसा नहीं भारत के साथ नेपाल का ही मधेश का तो छोड़ दीजिए मधेश का तो रोटी बेटी रोजगार ये सब है ही समूचे नेपाल का ही एक विशिष्ट अनुनाश्रय रिश्ता है भारत के साथ देखिए तो भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है हमारा सामाजिक सामाजिक रिश्ता है भारत के साथ हमारा धार्मिक रिश्ता है भारत के साथ हमारा शैक्षिक रिश्ता है तो रिश्ता ही रिश्ता है तो एक रिश्ता है एक पहनावा है एक खान पान है, है? जनकपुर धाम के बिना अयोध्या अधूरा है अयोध्या के बिना जनकपुर धाम अधूरा है पशुपतिनाथ केदारनाथ के बिना अधूरे हैं केदारनाथ पशुपतिनाथ के बिना अधूरे हैं रामेश्वरम में नेपाल के पुजारी पूजा पुझा करते हैं पशुपतिनाथ में रामेश्वरम के पुजारी पूजा पुझा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी विषय है जो हम अलग हैं ही नहीं एक भौगोलिक एक कहिए ना कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर हमें अलग करती है लेकिन स्पेस अलग नहीं करती है भौगोलिक बॉर्डर जो एक देख रहे हैं नोमेंस लैंड एक अठारह सौ पचास किलोमीटर सीमा नेपाल भारत के बीच में और उधर तिब्बत की ओर से आप देखेंगे नेपाल और तिब्बत की ओर से तेरह चौदह सौ किलोमीटर की सीमा तो आप देखेंगे कि हमारा ये भौगोलिक बॉर्डर स्पेस हमें एक ही बनाती है हमारा सभी कुछ एक ही है तो इस तरह का शंका करना शंका के शंका के नाम पर लंका जलाना कि भारत का पैसा तो फलाना का पैसा ये सब मिथ्या है ऐसा कुछ नहीं है ये हमारी आंदोलन है हमारी मुक्ति क्रांति है इसको हमें ही परिणाम तक पहुंचाना पड़ेगा इसको कोई किराया पर संपन्न नहीं कर देगा देखिए चूँकि हाँ एक जगह धोखा जरूर हो रही है देखिए एक जगह धोखा जरूर हो गई है यहाँ जो राजनीति को व्यापार के रूप में उपभोग करते हैं सिर्फ मधेस के मामले में नहीं पहाड़ के भी ऐसे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो पहाड़ी समुदाय से एकल जातीय है लोग हैं वो एकल जातीय लोग क्या किए हैं कि आपने देखा है कभी बेल्टन रोड इनिशिएटिव के तहत पोखरा एयरपोर्ट जीवन में न कोई कॉस्ट एनालिसिस हुआ उसका मैं थोड़ा दूसरे विषय पर चला गया कि वो जीवन में कोई कॉस्ट एनालिसिस नहीं हुआ और उसको जो है सो अपना पॉकेट गर्म करने के चक्कर में अपना निजी कमीशन के चक्कर में उसको चाइना के लोन में कन्वर्ट करवा दिया है तो देखिए तो तुलना ही कितना कर, तुलना देखिए तो जरा एक तरफ हमारा मित्र राष्ट्र भारत रिश्तेदार राष्ट्र भारत सत्तर प्रतिशत से अधिक विकास अनुदान ना कोई ऋण सिर्फ सहयोग सत्तर प्रतिशत से अधिक नेपाल के विकास में अनुदान अकेले भारत का होता है आ, का है? अपनापन है मैंने चार रिश्ता आपको कहा ना कि सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक भाषिक रिश्ता धार्मिक रिश्ता शैक्षिक रिश्ता और चाइना वालों वाले क्या करते हैं कि जबरदस्ती हमसे लोन ले लो जबरदस्ती लोन ले लो पोखरा एयरपोर्ट को कब हम्बल पोटा बंदरगाह बना के लीच पर ले ले तो इस तरह से कुछ लोगों को वो लोग रखे हुए हैं तो नेपाल की राजनीति ऐसे चलती है मान लीजिए क्या हो रहा है नेपाल में हमारा पड़ोसी हमेशा से तिब्बत था तिब्बत पड़ोसी था नेपाल का धीरे धीरे चाइना पड़ोसी बन गया आएँ रुई गांव ले लिया माउंट एवरेस्ट का उत्तरी भूभाग ले लिया टिंगरा नदी तक तिब्बत में हमारा नेपाल का सीमा था किसी की नज़र नहीं जाती है तो यावत विषय तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो विषय है स्वाभिमान का विषय राष्ट्र का तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय को भी हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं अब उन वही जनजाति जो हमारे पहाड़ के जनजाति भाई हैं जिनको एक लाइन में यहाँ का नस्लीय राजस्त्ता के संचालक लोग सिखा दिए थे कि धोती पहनने वाला पायजामा कुर्ता लुंगी गमछा पहनने वाला इस देश का नहीं है वो तो भारतीय है वो तो इंडियन है अब वो लोग समझ रहा है कि नहीं मधेसी भी हमारा है मधे नेपाल का वासी है तो जिनको गलत ट्रेंड किया गया था और नस्ल राज के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया गया था कि काठमांडू के सड़क पर मधेसी मतलब इंडियन कहो अब हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड आंदोलन का स्वरूप तैयार हुआ है और हम लोग बहुल राष्ट्रीय राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें तरह तरह के सांस्कृतिक झांकी के साथ सभी एक होकर हम उसमें मधेसी थारू पहाड़ के आदिवासी जनजाति सभी के सभी एक जगह जब आए हैं तो यहाँ का परंपरागत राज्य सत्ता जो सिंह दरबार से संचालित है उसकी ईंट से ईंट बजनी शुरू हो गई है और चूंकि हमारा उद्देश्य बहुत ईंट से ईंट बजाने का भी नहीं है हमारा एक सीधा सिंपल साधारण एकदम ईमानदार उद्देश्य है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का यह उद्देश्य है कि हम लोग इस देश को एकल राज्य से एकल नस्लीय राज्य से एकल नस्लीय एकल जातीय राज्य से सभी का नेपाल सभी का अपना नेपाल सभी के के अपनत्व का नेपाल सभी का स्वदेश बहु राष्ट्रीय राज्य बनाते हुए नेपाल को सभी का स्वदेश बनावे और इसके लिए हम लोग तो पवित उद्देश्य तो हमारा पवित्र है ना तो उद्देश्य पवित्र होता है तो थोड़ी बहुत रुकावट जो आती है यह रुकावट कोई मायने नहीं रखता है अभी आप बोले ना कि मतलब इधर चाइना की तरफ से वो खींचे जा रहा है तिब्बत तक सबको ले गया इधर आपका ध्यान शायद इंडिया की तरफ नहीं जा रहा इंडिया की तरफ से आपको लग रहा है कि सपोर्ट ही मिल रहा है नहीं नहीं सपोर्ट की विषय नहीं है देखिए 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 अपन देखे देखे देखा सपोर्ट उपोर्ट नहीं होता है अपना काम खुद करना होता है लेकिन परंतु दुनिया में जितनी भी दो के करीब राष्ट्र है ना तो सबका एक अपना सीवी है ना सबका एक अपना बायोडाटा है ना समाज के सामने तो भारत इस मामले में इतना महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है देखिए कि भारत का चाल चरित्र चेहरा ऐसा नहीं रहा जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो किसी के सीमा पर किसी को अनावश्यक परेशान करने में मैंने पहले ही कहा ना कि कितना अपना समझता होगा कि 70 प्रतिशत का विकास यो नेपाल के विकास में 70 प्रतिशत का विकास यो ये, ये, ये अनुदान भारत का होता है तो ऋण तो नहीं देता है आपका बना हुआ बिजली खरीद देता है वहाँ से भी बिजली देता है जगह जगह संग साथ में खड़ा रहता है नेपाल में जब भूकंप आती है तो यहाँ के लोगों को जब तक खबर होवे होवे आँख खुले खुले उससे पहले वायुसेना एक्टिव होने

अधिकांश लोग 80 प्रतिशत लोग इस राज्य का सुविधा का उपभोग नहीं कर पाए हैं इसी को दुरुस्त करने के लिए ना हम लोग इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं कि सभी का अपना तो का नेपाल बन सके जिस दिन सभी का अपना तो का नेपाल बन जाएगा हो तो गया हम लोगों को तो क्या हराम नाम करने वाले आदमी है ऐसे भी साल में दोबारा अयोध्या जी जाते हैं क्या लेना देना परंतु यह हमारी नैतिक दायित्व तो है यह हमारे नेताओं की नैति, नैतिक दायित्व तो है कि जो सपना हमने चौंतीस वर्षों से दिखाया है कि अधिकार की सभी का अधिकार पहचान सम्मान स्वाभिमान पद प्रतिष्ठा इस देश में स्थापित हो उसको स्थापित किए बिना हम लोग कैसे विराम ले सकते हैं उसको स्थापित किए बिना विराम नहीं ले सकते हैं हैं एक सौ सत्रह अट्ठारह हमारे शहीद हो गए हजारों लोग घायल हो गए हम लोग छः छः महीना बॉर्डर पर सोए रह गए तो उसी को पूरा करने के लिए न हम लोग एक हो के अब मधेसी थारो मुस्लिम पहाड़ के आदि बन आदिवासी जनजाति सभी लोग मिलके सभी शोषित पीड़ित मिलके अब हम लोग एकल राष्ट्रीय राज्य से बहुल राष्ट्रीय राज्य को स्थापित करने के लिए सभी का स्वदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उस दायित्व तो बोध के साथ ही ना आज भी हम लोग लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं बार बार घायल हो रहे हैं बार बार जेल जा रहे हैं, हैं? नहीं तो विश्राम यदि लेना होता विश्राम यदि लेना होता बईमान यदि बनना होता तो क्यों इतने, इतने, इतने इ, 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 इतना इतना बड़ा काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते क्यों इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े क्योंकि हम लोगों को तो दायित्व बोध है कि दायित्व तो बोध है कि जो प्रयोग हम लोगों ने किया उस प्रयोग के साथ अधिकार पहचान संपन्न नेपाल नहीं बन सका किस्ता किस्ता में हम लोग को तोड़ दिया गया कहीं क्षेत्र के आधार पर कहीं भाषा के आधार पर कहीं भेष के आधार पर कहीं चेहरा के आधार पर हम लोगों को मछली के टुकड़े पीस के तरह काट काट के इन लोगों ने और हमारा वोट कलेक्शन का, का काम किया इन लोगों ने तो उसको अब हम लोग खत्म करते हुए वोट की राजनीति अब हम लोग नहीं करने जा रहे हैं हम लोग अधिकार पहचान का विषय को आगे लेके जा रहे हैं तो अधिकार पहचान सभी का स्वदेश बने इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का आगाज कर चुके हैं और चंद दिनों में आपने देखा ना दो दो कार्यक्रम काठमांडू के धरती पर फागुन सोलह गते चौबीस गते और पूर्व से पश्चिम तक का दौरा हम लोगों का हुआ है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान का यहीं जनकपुर धाम में आपने देखा था उतनी बड़ी रैली और यहाँ पर कार्यक्रम मलंगवा में कार्यक्रम हेटौरा में कार्यक्रम तो सारे लोग अब अप... तमाम पहाड़ के जनजाति लोग आते हैं और इतनी प्रसन्नता होती है जो लोग कहते हैं कि नहीं मधेसी शोषित है मधेसी पीड़ित है मधेसी अफेलित है मधेस तो आठ जिला का नहीं बाईस जिला का है यह लोग पहाड़ के धरती से यह लोग कह रहे हैं तो हम लोगों के जैसे मधेसवादी को प्रसन्नता होती है और हम लोग खुशी से कहते हैं काठमांडू के सड़क पर जाके कि यह धरती यह जो है ये नेपा मंडल की धरती है यह बागमती प्रदेश नहीं है यह नेपा मंडल है ये नेवारों की मौलिक धरती है इस पर आज से कब्जा करने का काम तो आप देखिए कि जो परम्परागत शासन पद्धति नेपाल में थी एक समय में यहाँ राजा महाराजाओं की शासन थी तो राजा महाराजाओं का शासन वंश के आधार पर चलता आया फिर राणा जहानिया राणा शासन आया वहाँ भाई भरदार शासन चलाते आए फिर देखिए लोकतंत्र की बहाली हुई गणतंत्र नेपाल में आया तो गणतंत्र और लोकतंत्र आने के बाद भी फिर वही एकल जातीय नस्लीय शासन एक ही तब का वही खनाल दहाल क्या, क्या 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 नाम का आप सब जगह खोज लीजिए कहाँ है समावेशी चेहरा तो अब समावेशी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही है प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है अब इस राष्ट्र को सबों की राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और इसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान आगे बढ़ चुकी है जिसमें सभी समुदाय के लोग आगे हैं तो हम लोग उस दायित्व बोध को महसूस करते हुए उस दायित्व इस राजनीति को कभी भी हम लोगों ने व्यापार और व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाया विशुद्ध सेवा अधिकार पहचान को स्थापित करने के के माध्यम के रूप में राजनीति को हम लोग एक आ, अपने जीवन में आत्मसात किए तो हम लोग उस दायित्व बोध के साथ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के तो, को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग कहाँ बेमान हो गए कहाँ गलत हो गए क्या हार मान के बैठ जाऊँ घर में हार मान के बैठ जाना यह सबसे बड़ा दुष्कर्म है न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है हार मान के हम लोग बैठ जाएं हार मानने वाले पहले निवेदन किया कि हम लोग न थकने वाले हैं न हारने वाले हैं न झुकने वाले हैं हार मान के नहीं बैठेंगे अपने आने वाले भविष्य को अपने अंश और वंश को हम लोग सभी जात जाति समुदाय के लोग इस नेपाल में अपनी अंश और वंश को सुरक्षित करेंगे और सबों का स्वदेश नेपाल बनाएंगे तो यह तो हम लोग एक बहुत ही मौलिक और पवित्र उद्देश्य के साथ इस मौलिक काम को कर रहे हैं इसमें सबों का सहयोग होना चाहिए तो आप कहती हैं कोई शिकायत करते नहीं शिकायत करने वाले करते रहेंगे जब हम लोग इतनी बड़ी मधेश के आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी सद्भावना के ज़माने में भी हम लोगों ने खुलेआम कहा था हमारे नेताओं ने खुलेआम कहा था कि मधेशी को 50 प्रतिशत के आरक्षण व्यवस्था और पहाड़ के आदिवासी जनजाति को 30 प्रतिशत के आरक्षण व्यवस्था उस वक्त में भी हम लोग कहा था कि हम लोग सभी शोषित पीतु तो वह जो हम लोग कह रहे थे जब तो उस वक्त भी हम लोगों को सभी लोगों ने साथ नहीं दिया था उन लोगों को वही नस्लीय पार्टी सब प्यारा था आज भी प्यारा रहे प्यारा उनकी विषय उनको मुबारक उनकी विषय उनको मुबारक क्लास में सौ आदमी एडमिशन लेके एक सेक्शन में पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग फेल होते हैं कुछ लोग पास होते हैं कुछ लोग ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्योध के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में अच्छा करते हैं तो हम लोग जिस धरती पर जन्म लिए हैं इस धरती के लोगों को किस्ता किस्ता में जो गुलाम बना के रखा गया है कोलोनाइज करके रखा गया है तो उस कॉलोनिज्म को, को जो आप कहिएगा एक तरह से उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे सबों का राष्ट्र नेपाल नहीं बनाएंगे सबों का राज्य नहीं बनाएंगे तब तक हम लोगों को चयन नहीं मिलेगा हम लोगों का स्कूलिंग ही इतना मजबूत है कि उस मजबूत स्कूलिंग के भीतर सत्ता भत्ता पद प्रतिष्ठा गाड़ी घोड़ा प्रभावित ही नहीं करता है ये हम लोगों का स्कूलिंग का देन है तो हम लोग ऑर्गेनिक पहचानवादी है ना तो ऑर्गेनिक पहचानवादियों के कंधे पे और अधिक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के माध्यम से इस देश को सभी का स्वदेश बहुराष्ट्र राज्य के माध्यम से सामुदायिक समाजवाद को स्थापित करते हुए सभी का राष्ट्र बना बना बनाएंगे यह हमारे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियानियों का वादा है और इस इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान में लगातार दिनानुदिन हजारों हज़ार के संख्या में अभियानी लोग जुड़ते जा रहे हैं चूँकि किसको किस आप एक चीज़ बताइए कि अपना भविष्य किसको प्यारा नहीं है कौन चाहता है किस्ता किस्ता में शहीद होते रहें कौन चाहता है कि हम इतना बड़ा बड़ा आंदोलन करें और चार आदमी उससे उस उठ के चला जाए और सत्ता भत्ता का उपयोग कर लें और हमारा आंदोलन अभी जो निगेटिव मानसिकता जो हुई है निश्चित रूप से सत्ता भत्ता इस सब के कारण हुआ है तो तो इस सब को समाप्त करते हुए निवेदन मैंने पहले ही किया है कि यह मुक्ति क्रांति इस देश के लिए सभी जात जाति भाषा भाषी समुदाय के लिए सभी तह तबका के लिए आ, अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम महिला मधेसी पहाड़ी आदिवासी जनजाति सभी के लिए है अंतिम और अंतिम संघर्ष होगा इसके बाद इस देश में संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबों का स्वदेश का निर्माण होगा यह हम लोगों का उद्देश्य है सारा सभी तरह का विभेद का अंत होगा और समानता का जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य को स्थापित करने में हमारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एक मजबूती के साथ कारगर उपकरण सिद्ध होगी इसकी गारंटी हमारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान है यकीन है कि हो जाएगा अरे भाई बाबा यकीन क्या होता है इस देश में किसी को था यकीन इस देश में किसको था जो कि यहाँ पर पंचायती व्यवस्था खत्म हो जाएगा

राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के क्रांतिकारी योद्धा लोग आगे बढ़ चुके हैं न सिर्फ सड़क पर हमारे छह से साथी अभी कारावास का जीवन बिता रहे हैं तो हम लोग इस सपना को पूरा करेंगे और पूरा करेंगे बिना कोई लोभ लालच का और इसकी गारंटी अब मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति इस अभियान की गारंटी है गारंटी है कि यह नेपाल सुंदर सा नेपाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हमारा नेपाल विद्युतीय जल जल भंडार से संपन्न हमारा नेपाल दुनिया का सुंदरतम देश के रूप में शांतिपूर्ण देश के रूप में सभी वर्ग समुदाय के बीच अपनत्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस तरह का राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बनेगा और सभी का देश बनेगा यह काम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान करके रहेगी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जब आप टाइम निकाल कर करके और सामाजिक फील्ड में आकर करके ये सब चीज़ के बारे में बताया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया यहाँ समय ही समय है क्योंकि चौंतीस वर्षों से लगातार हम लोग इस इन विषयों को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं तो समय की कमी नहीं होती है क्योंकि दूसरा कोई काम है नहीं काम यही है कि सोए हुए को जगाने की काम और खुद भी चलते रहने का काम आपने बुलाया आपके इस आपका जो यह आज का कार्यक्रम है और ये जो आपका सामाजिक फीड इसकी निरंतर प्रगति का कामना करता हूँ संपूर्ण शुभकामनाएँ धन्यवाद धन्यवाद मफायजा नमस्कार